हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में जो SSR और डबल ए की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी थी, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून के लास्ट वीक तक हो सकता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है, तो प्लीज़ गाइज़ वो वीडियो भी आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है और किन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। गाइज, आप सभी को पता है कि इस साल जो नोटिस में ही नेवी के जो ऑफिशियल नोटिस में उन्होंने बताया था कि एडमिट कार्ड जो वो भेजने वाले हैं, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, जिन्होंने एप्लीकेशंस भेजा है इस पोस्ट के लिए, तो उन सभी के जो एप्लीकेशंस होंगे उन सभी को टैली करके जो मेरिट लिस्ट वाइज निकालने वाले हैं सभी कैंडिडेट्स की, और जितने भी मेरिट लिस्ट वाइज कैंडिडेट होंगे उनको ही एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। तो गाइज, आपने अगर आपको अगर 12th के बेस पर ही ये क्वालिफिकेशन था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए, SSR और डबल ए की पोस्ट के लिए, तो अगर आपको 12th में अच्छे परसेंटेज है और आपने पहले ही उन्होंने बताया था कि 60% के ऊपर ही फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल, इसीलिए अगर आपको अच्छे परसेंटेज है तो आपका एडमिट कार्ड आने ही वाला है और आपको एडमिट कार्ड मिलेगा जो कि जो SSR और डबल ए की एग्ज़ाम हो जाएगी और उसकी मेरिट लिस्ट वो 23 जुलाई को देने वाले हैं। यानी उन्होंने अपने नोटिस में ही बताया था कि 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो इसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जून के लास्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो अगर आपके जून के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम होने वाली है तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो सेकंड या फिर थर्ड वीक में आ जाएगा, यानी कि 10 दिन पहले ही नेवी जारी कर देता है एडमिट कार्ड अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जो भी मेरिट लिस्ट वाइज एलिजिबल होंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जो है वो सेकंड या फिर थर्ड वीक ऑफ जून में जारी कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर नेवी के, जब भी जारी हो जाएंगे नेवी की तरफ से हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सभी अपडेट्स देने वाले हैं। तो इसके हिसाब से एडमिट कार्ड आपके सेकंड और थर्ड वीक में आने वाले हैं, तो आप सभी कैंडिडेट सिर्फ स्टडी में ही फोकस कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय रह गया है और हम सभी को पता है कि COVID-19 की वजह से पिछले साल भी ये पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लेकिन अभी इस साल नेवी प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम लेने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपने नोटिस बताया हुआ है कि जो जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी, जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम होगी उसके 2 दिन पहले आपको RT-PCR COVID-19 की टेस्ट कर लेनी है RT-PCR लेबोरेटरी में जाकर। अगर आपकी टेस्ट निगेटिव निकलती है तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपको वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठने देंगे। तो बस गाइज, अभी आपका एडमिट कार्ड इस नेक्स्ट वीक के सेकंड या फिर नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक में आने वाला है, तो आप स्टडी करते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही था, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था X² / YZ, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।